वर्ल्ड कप चल रहा है, हर खिलाड़ी अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करने में लगा है और इसी बीच टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी अंबाती रायडू ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मात्र 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट की घोषणा कर रायडू ने सबको चौंका दिया। इस संबंध में रायडू ने PCI को मेल भेजा है। PCI CEO ने बताया कि उनको मेल मिल चुका है। जोरी ने यह भी बताया कि रायडू ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और वो फिलहाल एक साल और IPL खेलेंगे। आपको बता दें कि रायडू ने एक कदम गुस्से में उठाया है, उन्हें वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली थी। इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप के लिए भेजी गई 15 सदस्यों की टीम में शामिल नहीं किया गया था। उस पर काफी चर्चाएं भी हुई थी। शिखर धवन और फिर विजय शंकर के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद रायडू को रिप्लेसमेंट के तौर पर भी नहीं लिया गया। उनकी जगह ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल को टीम में चुन लिया गया। बता दें कि रायडू की जगह वर्ल्ड कप टीम में जब शंकर को लिया गया था तब लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे, क्योंकि उससे पहले रायडू अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। तब PCI ने तर्क दिया था कि शंकर को तीनों विभागों में काबिलियतों के बूते लिया गया है। इस पर रायडू ने मजाक के लहजे में ट्वीट किया था कि उन्होंने वर्ल्ड कप देखने के लिए 3D ग्लास ऑर्डर किए हैं। हालांकि विजय शंकर के बाहर होने के बाद भी रायडू की जगह मयंक अग्रवाल को मौका मिला है। रायडू के करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 55 वनडे मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 1694 रन बनाए हैं, इसमें 10 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं 6 T20 मुकाबलों में उन्होंने कुल 42 रन बनाए हैं। IPL की बात करें तो इस बार वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे। उन्होंने 147 IPL मैचों में 3300 रन बनाए हैं, लेकिन अब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।